अबे पुलिस की गाड़ी भी लग गई। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो, आज हम दोनों फिर से चल पड़े हैं अपनी कार में और हम लोग जा रहे थे अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने। आज हम लोग जाते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर और साथ में इस महानुभाव को आया याद कि इसको कार लेनी है। अचानक से इसने प्लान बनाया, कल रात को इसने मुझे बोला कि दीदी मुझे ना गाड़ी लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, क्योंकि हम लोग उधर जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा अगर कार भी ले लेंगे। तेरे को अचानक से क्या प्लान बना वैसे ये लेने का? ऐसी थोड़ा मेरे उसमें इंस्टाग्राम में आज गाड़ियों की बहुत फोटो आ रही थी, मेरे को पैसे लगा के थोड़ा गाड़ियां देख लेंगे। जो भी इंस्टाग्राम में दिखेगा तो वही ले लेगा। ऐसी थोड़ा मन कर रहा था, देख लेंगे थोड़ा। चलो ठीक है, वैसे तो गाड़ी होती भी है तो काम आसान हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अभी आज लेंगे नहीं लेंगे ये तो पता नहीं है, पर हम लोग देखने जरूर जा रहे हैं गाड़ियाँ और देखते हैं कि कैसे इसके बजट में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अभी वहाँ पहुँच के आपको फिर हम लोग मिलते हैं। देखो वहाँ पे दिखाते हैं गाड़ियाँ। हम टर्नर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टर्नर सेक्शन। हाँ, और वहाँ देखेंगे। अभी हमने ऑनलाइन भी कुछ सर्च नहीं किया है ना, ऑनलाइन भी हम लोगों ने कुछ भी सर्च नहीं किया, कुछ नहीं देखा, बस अभी सीधे सबसे पहले टर्नर्स ही जा रहे हैं और वहाँ जाके पहले देखेंगे कि क्या क्या गाड़ियों के रेट्स हैं, क्या प्राइसेस हैं, कैसी गाड़ी किस कंडीशन में है। तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे, मिलते हैं अब टर्नर्स जाके। तो गाइज, हम पहुँच गए यहाँ पे टर्नर्स कार और अंदर देखते हैं। वैसे यहाँ पे काफी सारी कार्स रहती हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। कौन लड़की से मिलना तुझे, ये वाली? क्योंकि ये बहुत एडों में देखी यार, सारे एड्स में यही होती है टर्नर के ना, इनकी ये। अंदर एंटर होते ही ये मस्त लग रही है, पर ये सोल्ड है ऑलरेडी। देखो चलो चलते हैं आगे। फिर क्या मेंटेन करके रखी है गाड़ी की, अच्छी है, लेकिन उसका प्राइस देख हमारे बजट से बिल्कुल बाहर है। हाँ देखो, हमने तो छोटी सी कॉम्पैक्ट सी कार देखनी है ना, ये वाली। ये भी कॉम्पैक्ट कार है देखो, माजदा की डेमियो 8490। ये भी अच्छी लग रही है सुजुकी की, 19,000 यार। ऑन रोड को 21 है। बाहर चले देखने के लिए, गाड़ियां ही गाड़ियां है यार यहाँ तो। अंदर में थोड़ा सा ना हाई बजट वाली कार रहती है आई थिंक, तो बाहर चल के देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमें हमारे बजट में मिल जाएगी क्या, है ना। यार थोड़ी देखो दीदी, यार कौन सी मस्त है ना, कलर इसका अच्छा लग रहा है यार, टोयोटा की है। चल अब इसको भी मत देख, अब बाहर चल के दूसरी देखते हैं। और मुझे समझ नहीं आती सस्ते में क्यों लगी गाड़ी, क्योंकि सेकंड हैंड कार है ना। तब भी 16,000 की यार, स्विफ्ट 19,000 की लगी है। कुछ तो होगा इसका, इसमें ज्यादा चली हुई होगी, इसका ऑडियोमीटर ज्यादा होगा। देख लो ना, देख इसकी रेटिंग में, देख इमिशन में ओनली 2 स्टार है, एनर्जी इकोनॉमी में ओनली 1.5 स्टार दिया हुआ है। तभी उसका ऑडियोमेटर देख 95। हाँ, और पूरा मॉडल देख, इंजन 980 सीसी मॉडल है, 2012 का मॉडल है, इसीलिए सस्ती है। तो देखो यहाँ पे सारी ये कार्स बाहर में आउटसाइड में भी यहाँ लगी हुई है पूरी, और यहाँ पे थोड़ा बजट में भी मिल जाती हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे ये सामने कौन सी वाली है, टोयोटा की कैमरे 2012 का मॉडल है ये भी। तो आई थिंक ये ऑक्शन में है क्या, नहीं पता नहीं, 3,500 से 4,500 सही है ना फॉर अ स्टार्ट। इसका माइलेज वाली कोई मिली तेरे को अपने मन की कार? मेरे मन की तो सुपर ही खड़ी है। वही लूंगा है, अभी हवा बहुत चल रही है ना, भी अच्छी लग रही है यार, एमजी की है ना, दिखाना नई सी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है, हाँ कॉम्पैक्ट सी है ये वाली भी, हाइब्रिड भी है। और इसका रेट क्या है, रेट नहीं लिखा है टायर पर, थोड़ा थोड़ा लुक सर रोल्स रॉयस जैसा दे रखा है। हाँ यार ये मैंने काफी देखी थी चलते हुए, पर इसका मुझे भी नहीं आइडिया। रही माजदा की डेमियो छोटी सी कार, ब्लू कलर में अच्छी लग रही है। मिनी कूपर देखो, दी मिनी कूपर अच्छी लगती है वाली भी, है ना, मिनी कूपर तो मुझे अच्छी लगती है। खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन, टेस्ला भी लगी देखो यहाँ पे। हाँ इसको ले ले। नहीं नहीं यार, पता नहीं यार मुझे मजा से नहीं आता टेस्ला में, तुझे कैसी लगती है? भरोसा ऐसा नहीं आता, पता नहीं क्यों भरोसा नहीं, पर पता नहीं या तो बहुत कॉमन हो गई है।
पता नहीं, पर इंडिया में तो अभी भी नहीं आती ना। अच्छा हाँ, यहाँ तो बहुत कॉमन है ना ये, शायद इसलिए पता नहीं। मतलब वैसे तो आगे वाले टाइम में यही घूमने वाली है सड़कों पे। ये देख छोटी सी कॉम्पैक्ट सी कार, ये भी अच्छी गाड़ी है। देख जो तेरे को अच्छी लग रही है ना, एक बार उनका लाइसेंस का नंबर ले ले और अंदर पूछ लेते हैं फिर। चल अंदर चलते हैं, एक बार अंदर पूछते हैं। अंदर भी हम सारी कार देखी नहीं, तो एक बार अंदर भी देख लेते हैं। किडनैपिंग करेगा। अरे पुलिस की गाड़ी भी लग गई सेल पे, यही ले ले, इसी में घूमना, फिर सब तरह से डरेंगे पुलिस की कार आ रही है। यार यहाँ अंदर सारी कार के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, तो यही देख ले एक बार कुछ, है ना। यही देख एक छोटी सी कार, कॉम्पैक्ट सी कार ये भी लगी हुई है सुबारु की, 4900 ऑक्शन का एस्टीमेट है। ये 3900 टू 4700 का एस्टीमेट दे रहा है। यार कार के प्राइसेस लग रहा है काफी बढ़ गए। देख ये वाली 3000 में लगी हुई है। हाँ ले ले BMW ले लेते हैं। प्राइसिंग है कितना लिखा है? 39,000। अभी हमें स्टार्टिंग के लिए हमें सस्ती सी कार चाहिए, इतनी महंगी महंगी कार थोड़ा लेनी है। 4400। ये देखो ये गाड़ी लाल वाली अच्छी लग रही है। कौन सी पिक्चर में देखा? कौन सी पिक्चर में देखा मैंने वाली गाड़ी को? होगा कहीं देखा हुआ लगता। कौन सी पिक्चर थी वो? ऋतिक रोशन की। कौन सी पिक्चर थी वो? कितने तक की गाड़ी लेनी चाहिए वैसे? अभी 3-3.5 तक की ना। हाँ दो तक की नहीं, 3-4 तो फिर बिल्कुल 3-4 साल चले हैं कम से कम। हाँ हाँ दो तक की ना बिल्कुल, फिर ऐसे हो जाएगी कि हाँ उसमें तेरे को ज्यादा फ्यूल लगेगा हर चीज में। ये किसी लड़की की कार लग रही है मुझे, अंदर फूल भी रखा हुआ। हाँ तेरे ऊपर सूट भी नहीं करेगी। क्या यही लेनी है तेरे को? नहीं, नहीं मैं तो अब यही लूंगा। 98 का मॉडल है। पैदा हुआ था तू तब? पैदा हो गया था? नहीं। तेरे से बड़ी है, प्रणाम कर उसको। इसमें लग रही है 2000-3000 तक की है, 3-3 स्टार रेटिंग है। नाइस है यार, सुजुकी स्विफ्ट रेटिंग भी अच्छा है। 2008 का मॉडल है। 8 का मॉडल है। चलिए हाँ अच्छी गाड़ी दिख रही है ये। 1,16,000 सही है ना? टेस्ट ड्राइव लेनी है इसकी। इसको वो सुजुकी देखते ही इसको पसंद आ रही है, और अब देखो कैसे जिले ली जा रहा है कि मैं उसके बारे में पता कर लेता हूँ। तो अभी हमने यहाँ के ना एक स्टाफ को पूछा उस कार के लिए, स्विफ्ट के लिए। हाँ। और वो कह रहा है वैसे तो वो ऑक्शन में है, लेकिन कम टाइम ऐसा होता ना कि वो लोग सेल कर देते हैं ऑक्शन से पहले भी। तो कह रहा है मैं देख के आता हूँ सिस्टम में, अगर वो सेल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो बताएंगे अभी। तो अभी ना हमने की ले ली है टेस्ट ड्राइव के लिए। इन लोगों के ना यहाँ पे रैंप बने हुए, ट्रैक बने हुए, तो आप वहीं पे टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। तो चलो उसे टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। चलो फिर हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव ले। युद्धू फाइनली बैठ गया अंदर, एक्साइटेड हो रखा है। लग रहा है कि यार सेकंड हैंड गाड़ी है। लग रहा है। आवाज भी कितनी कर रही है ना। चल चल चल, हैंड ब्रेक नहीं उठा रहे, बहुत आवाज कर रही है। ये अच्छा बना रखा उन्होंने कि अंदर ही रैम बना दिया ना, ताकि आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। वैसे तो आप बाहर भी उनको परमिशन लेके ले जा सकते हो। पुरानी गाड़ियाँ थोड़ा ऐसी होती है ना कि चलती रहे तो फिर ठीक रहती है, कुछ टाइम के लिए बंद पड़ी रहेंगी ऐसी तो फिर आवाज करती है, तो होता ही है। चलो टेस्ट ड्राइव तो हमने ले ली है, और युद्धू को अच्छी भी लग रही है। क्या बोलना चाहोगे? बस ठीक है, पर खनक ज्यादा रही है थोड़ी। चलो फिर, वैसे तो सही लग रही है। देख वैसे भी अभी आज तो हमारा फर्स्ट डे है कार देखने का, थोड़ा सा ऑनलाइन भी रिसर्च करते हैं ना, मार्केट प्लेस में भी देख सकते हैं। हाँ ऑनलाइन भी देखेंगे, क्या पता तुझे कुछ ऑनलाइन में अच्छी मिल जाए, है ना, तो तभी लेना, अभी जल्दीबाजी मत कर। वैसे भी मुझे इतना प्रैक्टिकली लग नहीं रहा, तुझे लेनी चाहिए अभी कार।
वैसे ये तो ठीक कह रहे हो क्योंकि देख तेरी पढ़ाई का अभी कितना रह गया, 2 महीने रह गए हार्डली, उसके बाद तूने जॉब ढूंढनी है। और जब तेरी जॉब अगर क्राइस्टचर्च में नहीं लगी तो ये भी तो सोच, अगर तेरी जॉब ऑकलैंड में लग गई या वेलिंगटन में लग गई तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी ना। हाँ, इतना टाइम उसको लिए हुए नहीं होगा जितने भी, फिर तुझे लॉस में वो बेचनी पड़ेगी, है ना। या तो मुझे पहले जॉब ढूंढनी चाहिए तब गाड़ी लेनी चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता भी, पर हाँ ठीक है, तो अभी रिसर्च करते रहे कार्स के ऊपर भी, जब लेने का मौका आएगा जॉब लग जाएगी फिर ले लेना, है ना, क्या बोलता है। मुंह लटका दिया अभी मैंने, मना कर दिया गाड़ी लेने से तो। प्रैक्टिकल नहीं है ना वो तेरे लिए, देख वैसे भी ऐसा तो है नहीं, तुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, गाड़ी तो चलानी आती है, है ना। अभी तो चल तू इंडियन के इंडिया के लाइसेंस पे चला ले रहा है यहाँ पे गाड़ी, अभी तुझे अपना लाइसेंस भी कन्वर्ट कराना है 1 साल होने से पहले पहले, फिर लेना गाड़ी, क्या बोलता है। है ना, इंश्योरेंस वगैरह मिलने में भी फिर ईजी होता है ना, इंश्योरेंस भी मिलेगा गाड़ी का, अभी तो कहाँ मिलेगा, पेपर लाइसेंस नहीं है क्योंकि तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला रहा है गाड़ी, इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, तुझे लाइसेंस चाहिए ना उसके लिए, क्या बोलता है। मुंह ना लटका, सोच ले इस बारे में, जैसे जो मैं बोलूँ ये ऑब्वियस सी बात नहीं, है नहीं नहीं। हाँ, एक बार जॉब लग जाएगी उसके बाद ही देखना, लाइसेंस भी करवा लेना इतने बीच में तो अपना। चलो फिलहाल हमने अब गाड़ी लेने का प्लान तो पोस्टपोन कर दिया है, कैंसिल तो नहीं किया है, बस पोस्टपोन किया है कुछ महीने, 2 महीने तो बचे हैं बस, है ना। हाँ, 2 से 3 महीने है ना प्रैक्टिकल। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलते हैं। तो चलो कार्स का हमने, लेकिन हमें आज अच्छा आइडिया हो गया यहाँ पे आकर के, विच इज़ गुड। अब चलते हैं, थोड़ा घर का सामान ले लेते हैं, वो भी ज़रूरी है जिसके लिए हम स्पेशली आए थे एक्चुअली। तो अभी हम पहुँच गए योगी जी इंडियन सुपर मार्केट शॉप, और दीदी वहाँ से ट्रॉली निकाल रही है। आपको तो अब हम घर आ गए हैं। यस, बहुत सारी कार आज हमने देखी, पसंद भी आई एक, उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, लेकिन फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि अभी टाइम नहीं मतलब कार लेने का, और ज्यादातर कारें बजट से ही बाहर थी, और जो पसंद आई हम सोच रहे हैं बाद में लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी स्टडीज वो जब पूरी हो जाएगी, जब जॉब ढूंढ लूंगा तब मैं गाड़ी लूंगा अपने लिए। हाँ, तो प्रैक्टिकली वो भी सही भी नहीं है इसके लिए, लेकिन हम रिसर्च करते रहेंगे, है ना, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है तब तक। तो चलो, ये छोटा सा एक ब्लॉग था हमारा आज का, इसको यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। अरे कुछ नहीं हुआ, बस ये निकली है। हाँ, अच्छा, इसका हालात है, सेकंड हैंड गाड़ी है ना। हाँ, ठीक है। You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you.